जेम्स क्लॉक मैक्सवेल। जेम्स क्लॉक मैक्सवेल फैराडे के जमाने में ही था। फैराडे सीनियर, मैक्सवेल जूनियर। मैक्सवेल फैराडे को मिलने आता है, तो वो स्कॉटिश है। अब वो वहां आता है उसको मिलने इंग्लैंड में फैराडे को, और फैराडे बूढ़ा है, बुजुर्ग है। जब मैक्सवेल उसे पहली बार अपने मुसावातों के नतायज बताते हुए ये कहता है कि जो रोशनी की रफ्तार है, रोशनी की रफ्तार और ये जो तुमने दरियाफ्त की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो रिश्ता दरियाफ्त किया है तुमने, ये आपस में बराबर है। जितनी रफ्तार रोशनी की है उतनी रफ्तार फ्लक्स की है, या मैग्नेटिक फील्ड की है, या उस करंट की है, उतनी रफ्तार रोशनी की रफ्तार है इनकी। तो ये बात अभी जुड़ी नहीं थी आपस में, यूनिफिकेशन अभी हुई नहीं थी। मैक्सवेल कर रहा था यूनिफिकेशन, बट नॉट डन येट। लेकिन इस यूनिफिकेशन से पहले वो दोनों हैरान बहुत होते थे कि ये क्या कुदरत का करिश्मा है कि रोशनी तो सूरज से आ रही है, चीजों को रोशन करती है, धूप में होती है, और ये जो करंट है ये तो तारों में होता है या फ्लक्स है, तो इनका एक जैसी स्पीड होना क्यों जरूरी है, नेचर ने ये हुस्न इत्तेफाक क्यों रखा। तो मैक्सवेल को ये एक तरह से जुनून था कि वो इस बात का राज जाने। मैक्सवेल मैथमेटिशियन है, फिजिसिस्ट वो बाद में है, पहले वो मैथमेटिशियन है। और मैक्सवेल की मैथ को कहा जाता है द एलिगेंट मैथ, सबसे खूबसूरत मैथ। कहते हैं कि ही वॉज द आर्टिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कहते हैं कि मैक्सवेल जो था वो मैथमेटिक्स को जब तक एक आर्ट के पीस की तरह से खूबसूरत ना बना देता था, वो उसको पेश नहीं करता था। ये उसकी आदत थी, उसको वो परफेक्शनिस्ट था मैथमेटिक्स का। वो जब एक मुसावात हल करता था तो लगा रहता था जब तक वो उसको प्रेजेंट करने के लिए हर पहलू से इतना मुकम्मल ना कर ले कि कहीं भी उसकी कोई अनामली ना रहे। मैथमेटिक्स की गलतियों को अनामलीज कहते हैं, कोई भी अनामली ना रहे। तो मैक्सवेल ने अपने इस जुनून में जो चीजें दरियाफ्त की वो बड़ी अहम है। आज हमारी मॉडर्न फिजिक्स उसकी मरहूने मिन्नत है। आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, टच मोबाइल यूज कर रहे हैं, लाइट जला कर बैठे हुए हैं, या इंटरनेट पे हम क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये मैक्सवेल की इक्वेशंस की वजह से। क्योंकि मैक्सवेल ने जब रोशनी की रफ्तार देख ली कि इतनी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोटान की रफ्तार देख ली कि इतनी है, और रोशनी उसको फोटान का नाम नहीं दिया, तो रोशनी और इनके दरमियान यूनिफिकेशन जब ढूंढने लगा, तो उसने एक काम किया कि हम उस दिन भी पहले भी इसका जिक्र कर चुके होंगे, या वो क्लास है या ये मुझे इस तरह से याद नहीं आएगा, कि ये जो मूवमेंट है मेरे हाथ की ये वाली, इसको कहते हैं वाइब्रेशन अंग्रेजी में, उर्दू में कहते हैं इर्तियाश। तो ये मेरे हाथ की मूवमेंट अगर बहुत ज्यादा तेज होगी तो जाहिर है हम कहेंगे तेज वाइब्रेशन, और स्लो होगी तो हम कहेंगे स्लो। लेकिन इनमें एक निस्बत मालूम करने का तरीका है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, ये छोटा एफ फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे मालूम की जाती है? अगर यहां मैं एक पिन लगा दूं ऊपर से, तो उसके नीचे ये जब घूमेगी तो हम गिन लेंगे। अगर ये 100 बार घूम रही है एक सेकंड में, उस पिन के नीचे 100 बार इधर उधर हुई है, दाएं बाएं हुई है, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है। तो ये है फ्रीक्वेंसी। अब जब रोशनी का जो जर्रा है या फोटान जिसे हम कह रहे थे, वो है, वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है जहां पे भी हो। एक श्वा अगर आ रही है ऐसे, तो उस श्वा में हर जगह पे जर्रे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं मुसलसल, तो वो बहुत छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, बहुत ज्यादा, 3×10³। तो बहुत ज्यादा। अब वो रेज टू दावर 3 सम कुछ और भी पॉइंट्स। अब वो जो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है उसको हम कहेंगे ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, रोशनी के फोटान की फ्रीक्वेंसी है। अब जो रोशनी के फोटान की फ्रीक्वेंसी है, क्या ये फ्रीक्वेंसियां मुख्तलिफ हो सकती हैं रोशनी की दो शुआओं की? एक कलर की शुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, दो मुख्तलिफ रंगों की शुआओं की। यानी अगर एक शुआ जो है वो सब्ज है, एक शुआ जो है वो येलो है, तो क्या इनके जो फोटान है उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है? क्या ये उनके फोटान की वाइब्रेशन ज्यादा तेज और स्लो वाली फर्क है? यस, ये फर्क है। जो सुर्ख रंग की रोशनी की शुआ होती है उसकी वाइब्रेशन स्लो है, और जो नीले रंग की रोशनी की शुआ होती है उसकी वाइब्रेशन बहुत तेज है। इसीलिए जब मैं सोलर पैनल की बात कर रहा था तो मैंने कहा कि अल्ट्रावायलेट कलर या नीले रंग की शुआ जब मेटल से टकराएगी तो एक इलेक्ट्रॉन को भी धक्का दे देगी मेटल के किसी एटम में से, लेकिन जब उसके
नीली सुर्ख शुआ टकराएगी या ऑरेंज शुआ टकराएगी या येलो शुआ टकराएगी या वाइट, तो कुछ नहीं करेगी, उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं भगाएगी। ताकत क्यों बढ़ गई रोशनी की शुआ में? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है जो नीली है, और उसकी वेव लेंथ कम है। जब वेव लेंथ वाइब्रेशन ज्यादा हो तो कहते हैं वेव लेंथ कम है। ये क्या चीज है? ये मैक्सवेल की इस जगह पे हम देखते हैं, मैक्सवेल के ये जो स्लाइड है, मैक्सवेल की बात करते हुए ये जो स्लाइड है, इसमें आप इस तरफ देखिए कि यहाँ वेव लेंथ कम है, यानी इतनी सी है, और यहाँ देखिए कि यहाँ वेव लेंथ बहुत ज्यादा है। अब वेव लेंथ कम वाली जगह ज्यादा ताकतवर रोशनी है, और वेव लेंथ ज्यादा वाली जगह कम ताकतवर रोशनी है। मैक्सवेल की इब्तदाई तारुफ की बात में इसकी जरूरत नहीं थी, ये इस बात के लिए जरूरत थी जो अब करूंगा, वो ये है कि मैक्सवेल ने मैथ करते हुए बैठे बैठे सोचा कि अगर ऐसा है कि ये डिफरेंट वेव लेंथ हैं, और ये सुर्ख रंग की रोशनी है और ये नीले रंग की रोशनी है, तो क्या अगर वेव लेंथ और कम कर दी जाए, सुर्ख रंग की रोशनी की वेव लेंथ ज्यादा है लेकिन बड़ी कर दी जाए, ज्यादा है तो और ज्यादा कर दी जाए, या अगर वेव लेंथ और ज्यादा कर दी जाए, कम कर दी जाए, यानी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ा दी जाए, तो क्या रोशनी की शुआ नजर आएगी, या वो किसी चीज पर पड़ेगी तो उस चीज पर कोई नतीजा नजर आएगा? जवाब था नहीं, दोनों तरफ नजर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इंसानी आंख जो है उस सतह की फ्रिक्वेंसी को नहीं देख पाएगी। अच्छा, तो उसने सोचा कि अगर ऐसा है कि उसको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, और इमेजिनरी श्वास सोची जा सकती है, तो भला कौन कौन सी श्वास निकलेगी, कौन कौन सी श्वास सोची जा सकती है? उसने अपनी सिर्फ मैथमेटिक्स में टेबल पर बैठ के किसी लेबॉरेटरी में नहीं, वो श्वाएं निकाली जो और स्लो करने से मुमकिन थी मैथमेटिकली, इस कायनात में हो सकती थी कहीं पर, जो बहुत ज्यादा तेज वाइब्रेशन से मुमकिन थी इस कायनात में हो सकती थी कहीं पर, उनका उसने प्रेडिक्शन किया कि ये हो सकती है। वो श्वाएं कौन सी हैं? इसी स्लाइड में हम जो रोशनी का स्पेक्ट्रम देखते हैं वो बहुत छोटा सा है। मैं जरा एक मिनट इसको साफ करके आपको दिखाता हूँ। ये इसी स्लाइड में जो रोशनी का स्पेक्ट्रम है वो बहुत छोटा है, जहां पे उसने फैसला किया था कि इस तरफ भी बढ़ाऊं मैथमेटिक्स और इस तरफ भी बढ़ाऊं मैथमेटिक्स, वो बहुत छोटा टुकड़ा है, उसका नाम है विजिबल लाइट। उसी से उसको सारा आइडिया आया, लेकिन वो जो छोटा टुकड़ा है उसको घटाने और बढ़ाने से दाएं तरफ कितनी और शुआएं प्रिडिक्ट हुई, उनके नाम देखिए, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स, लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ये उसने प्रिडिक्ट की। मैक्सवेल इतना बड़ा आदमी है, माइक्रोवेव से आज हम अपने घरों के ओवन चलाते हैं, रेडियो वेव्स तो शुरू में ही उसके बताने के 20 साल में ही दरियाफ्त हो गई, फिर रेडियो आ गए और टीवी चले, और सारी जितनी हमारी कम्युनिकेशन है आज तक रेडियो वेव की वजह से हुई। गैमा रेज और एक्स रेज को हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। हम उन प्रिडिक्ट की हुई मैथमेटिक्स में प्रिडिक्ट की हुई, जिनके लिए कोई लैब नहीं है, कोई बंदा का वक्त नहीं है, सिर्फ कागज पर लिखी हुई के एलिगेंस की वजह से इतना ज्यादा आउटपुट लेते हैं रियल वर्ल्ड में कि हम आज अपनी पूरी जिंदगी उससे बदल चुके हैं। तो क्या वो मैथमेटिक्स जो उससे ज्यादा एलिगेंट है, जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी की मैथमेटिक्स कहते हैं, ब्रेन थ्योरी की, या जिसे पैरेलल रियलिटीज की मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसे हम वेव फंक्शन की इक्वेशंस कहते हैं, जो जादुई साइंस है, मॉडर्न फिजिक्स है, उसके बारे में सारे साइंसदान जमा है, एक मैक्सवेल नहीं है, एक मैक्सवेल अकेला कमरे में बैठा हो, और आज के बड़े बड़े जेन, एलन कूथ और डेविड क्या नाम है उसका, एडविड विटन, इतने बड़े बड़े जहन जिन्हें अपने दौर का इस जिंदगी में जवानी में पढ़ चुके हैं, नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, और जो हर वक्त मैथमेटिक्स करते हैं, उनके प्रिडिक्शंस में आई हुई जो पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, या जो टाइम ट्रेवलिंग है, या जो ग्रेविटी बस है, या ये जो आइडियाज हैं स्पेस टाइम के और ग्रेविटी के, वो क्यों नहीं कल को रियल वर्ल्ड में हो सकते? वक्त जाया करने के लिए माजरत। अच्छा, यहाँ पे जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसका जिक्र दिलचस्प है, इसलिए हम हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में
इसका जिक्र किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर रोशनी की शुआ की जो रफ्तार है 300,000 किलोमीटर फी सेकंड, ये किसने बताया? और ये 300,000 किलोमीटर फी सेकंड नहीं है, ये 2.999 और समथिंग है। सारा स्टूडेंट्स के लिए 300,000 कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा 99 के फ्रैक्शन स्टूडेंट्स के लिए याद रखना मुश्किल होते हैं। तो ये जो 300,000 किलोमीटर फी सेकंड की जो रोशनी की रफ्तार है ये किसने बताई? ये कलेक्टिव वो है, नतीजा है मेहनत का। इसने किसी एक बंदे का है, चंद नाम भी हैं, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है कि उसके लिए फिर फाइनल मान ली गई। ये ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज सामने आने वाली बात है। लेकिन जब देखा जाता है कि वो जो स्पीड फाइनल थी जिसे हम कहते हैं कि 2.99 समथिंग, वो फिर किससे हाथ से निकली, तो वो कोई एक नाम नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से सामने आई वो चीज दिलचस्प है। एक ऐसा पहिया, एक ऐसा दंदानेदार पहिया सोचें जिसमें लकड़ी का, जिसमें दंदाने हैं और पंखे जैसा सोच लें, वो तो बड़ा प्रिसाइज बना होगा, हमने सिर्फ बात समझनी है। अच्छा, अब यहां पर 2-3 किलोमीटर के फासले पे एक स्टैंड खड़ा करें और इस स्टैंड से आप, चलो आज का जमाना है तो टॉर्च की रोशनी जो है फेंकें, लालटेन की नहीं, लेजर लाइट की फेंकनी चाहिए, और यहाँ पे एक स्टैंड खड़ा करें 3-4 किलोमीटर, सारे का फासला 5-1 किलोमीटर रख लें, तो यहाँ पे एक आईना लगा दें बड़ा सा मिरर। अब ये ऊंचा ज्यादा कर दिया मैंने। अब अगर आपने इब्न अल हैफम के या इब्न अल हैदम के कवानीन इनेकास और कवानीन इनेताफ पढ़े हुए हैं, जो 9th, 10th, 10th की फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं और जो आज भी मॉडर्न दौर में भी वही हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, जो इब्न अल हैदम ने दरियाफ्त किए थे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो बहुत सिंपल है इसलिए वक्त नहीं जाया होगा। एक अगर चमकदार सतह पर रोशनी पड़े और रोशनी की शुआ उस पर टकराए, तो रोशनी की शुआ टकरा कर जब वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो उस रिफ्लेक्ट होने वाली को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड, इसको छोटे आर से लिखते, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे मानी शुआ, और जो पड़ेगी उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, पड़ने वाली शुआ। इन दोनों के दरमियान दोनों तरफ का जाविया बराबर होगा और इनका सरफेस के दरमियान बनने वाला जाविया बराबर होगा। ये कानून इनेकास है। कानून इनेताफ हम बाद में अपने कोर्स में दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन वो है पानी में, शीशे में जब रोशनी की शुआ पड़ती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो उसके भी ये जाविये बराबर होंगे। इस तरह का कानून इनेताफ और कानून इनेकास है, बारीकी में दोबारा पढ़ लेंगे। अब जरा यहाँ देखिए कि इसमें शुआ तो इधर से भी आ सकती थी, जब इधर से आएगी तो ऐसी जाएगी, और शुआ यहाँ बिल्कुल नजदीक से भी आ सकती थी, जब नजदीक से आएगी तो ऐसी जाएगी। इसका मतलब एक शुआ ऐसी भी आ सकती थी जो उसी में आए, उसी लाइन में जिसमें आई है, और उसी में वापस जाए, ताकि दोनों जाविये जीरो रहें, ताकि बराबर रहें, ऐसी शुआ भी हो सकती थी। ऐसी ही शुआ को हम अपने इस तजर्बे में पकड़ रहे हैं, इस तजर्बे में। अब ये मेरी टार्च जरा ऊपर बन गई है, तो यहां से एक शुआ आ रही है, चमकदार सतह पर पड़ रही है और उसी के अंदर वापस जा रही है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये जो मैंने सही पहिया नहीं बनाया, जाहिर है पहिया का मुंह हमारी तरफ, आपकी और मेरी तरफ है, पहिया तो ऐसे बनना चाहिए था ना, मैं ड्राइंग तो नहीं कर सकता था ऐसे ऐसे, तो यहां से निकलने वाली शुआ, एनीवेज आपने उसी तरह समझना। अब जो उसके ये दंदाने थे, इस दंदाने पर अगर ये शुआ टकराएगी लकड़ी के साथ, अगर टकराएगी तो जाहिर है शीशे तक नहीं, आईने तक नहीं जा सकेगी, क्योंकि टकरा गई है, रास्ते में बंद हो गई, और अगर दंदानों के दरमियान वाली जो जगह उससे गुजरेगी,
तो जाहिर है आईने तक पहुंच सकेगी और वापस भी आएगी। यहां उसके लिए डिटेक्टर लगाया जाएगा जो उसकी वापसी को कंफर्म करेगा कि आई है या नहीं। अब ये जो शुआ यहां गई थी और सेम उसी में वापस आई है, अगर ये इससे टकराएगी तो गई नहीं है, और अगर गई है तो वापस आते वक्त क्या ये उस जगह से गुजरेगी जिस जगह से पहले गुजरी थी, या पहिया घूम जाने की वजह से अब ये वापसी पर किसी और जगह से गुजरेगी। और अगर ये बहुत ज्यादा तेज रफ्तार चीज है रोशनी, तो फिर ये जाने के बाद वापस उसी खाने से भी गुजर सकती है, क्योंकि घुमाने वाला शायद इतना तेज ना घुमा सकता हो, और अभी वो स्लो ही हो उसका पहिया, एक दंदाने और दूसरे के दरमियान जो खाली जगह है अभी वही ना गुजरी हो कि रुशवा टकरा के भी वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता था। और अगर बहुत ज्यादा फासला रख दिया जाए 5 किलोमीटर की बजाय कई किलोमीटर, तब भी फर्क पड़ सकता था। इन सारे फर्कों को वक्त के साथ साथ मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ कैलकुलेट करने वाले लोगों ने इन तरीकों से, इतने सादा तरीकों से कि उसको पहिए को घुमा के रोशनी की शुआ निकाली है, रोशनी की शुआ की असल रफ्तार तक वो पहुंचे। रोशनी की रफ्तार की असल शुआ की असल रफ्तार का जिक्र की स्पीड इस तक पहुंची हुई थी मैक्सवेल तक, उसकी दिलचस्पी उसमें नहीं थी, उसकी दिलचस्पी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थी। लेकिन इत्तेफाक कहा जाए या रोशनी का उसकी लेबोरेटरी में जितना बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल था, उसकी वजह से कहा जाए कि उसको जब ये इंकशाफ हुआ कि रोशनी की शुआ में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन की शुआ में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है, तो ये दुनिया की पहली यूनिफिकेशन थी। दुनिया की पहली यूनिफिकेशन थ्योरी मैक्सवेल ने दी है, और मैक्सवेल ने कहा है कि रोशनी अलग चीज है, मैग्नेटिज्म अलग चीज है, और इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है देखने में, लेकिन ये असल में एक ही चीज है, और हम जब भी चाहें इनको आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। हम रोशनी से मैग्नेट बना सकते हैं, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी बना सकते हैं, ये तीनों एक ही चीज है। इन तीनों की रफ्तार एक है, और इन तीनों के फोटान का नाम, जर्रे का नाम फोटान है, और इनका तीनों का अलग अलग कोई जर्रा नहीं। तब एक रोशनी की शुआ ड्रॉ की गई जो की जाती है, जो इस तरह से है कि अगर आप लकीर पर किसी बोर्ड पर बनाकर देखेंगे तो कभी उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, वो 3D में चलती है, क्योंकि रोशनी की जो एनर्जी है वो अपने जहां से शुआ जा रही हो वो अपने चारों तरफ मौजूद होती है। वो फैक्ट इसलिए उसका नाम है कि हम उसको एक लकीर या एक धागे की तरह ना सोचें, बल्कि उसको एक 3D का जाता हुआ वो चीज सोचें, क्योंकि वो रोशनी का फोटान तो 3D का नहीं है, वो तो 0D का है, लेकिन उसकी श्वा जब चल रही है तो श्वा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 3D में घूम रहा है, दाएं तरफ ऊपर बाएं आगे पीछे, तो रोशनी की एनर्जी जो है वो 3D में मौजूद है, और 3D में ही इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। अभी ये चार मुसावाते हैं, इन चार मुसावातों को हम नहीं पढ़ सकते, एक तो ये बहुत पेचीदा है, दूसरा तारीख में तो इनको पढ़ना भी नहीं चाहिए। इनमें से एक गस का ला है, गस भी एक साइंसदान है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, एक फेराडे का ला है, कूलम का ला है, और एक इसका आखिरी मुसावात मैक्सवेल की यूनिफिकेशन की मुसावात है, जो इन तीनों को जोड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी वाला साइंसदान अलग है, गस कूलम और गस अलग है, मैग्नेटिक वाला, फेराडे अलग है, दोनों वाला, इन तीनों साइंसदानों की मुसावातों को उसने उठाया और उनको थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ नए सिरे से लिखा, और आखिर में अपना कंक्लूजन लिखा, जो कि चौथी मुसावात आप देख रहे हैं नीचे। तो ये बन गई मैक्सवेल की चार मुसावातें, जिस पर सारी मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद है। ये हर कहीं इस्तेमाल होती है, वेव फंक्शन में, श्रोडिंगर में, क्वांटम में, हर जगह।